और जबकि ये 2016 से खुद SDM थी, उन्होंने आज तक क्यों शिकायत नहीं की? बिल्कुल सर, बहुत जास्ती हो रही है सर। हेलो, कैसे हो? क्या खाक बढ़िया होंगे, ना तो तुम याद करती हो ना तुम मिल रही हो। तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है कि हो कहाँ पे? अच्छा जी, इतना याद करते हो सच में? आपकी यही बात है ना, मुझे आपसे प्यार करने पर मजबूर कर रही है। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इन बातों से मैं पूरी दुनिया से बगावत करने को तैयार हो जाऊं। इनफैक्ट मैं हूं भी। अच्छा, तो मतलब तुम अपने पति को तलाक दे सकती हो मेरे लिए? अरे यार, तुम कितनी कैसी बात करते हो। मैं उस पर निर्भर नहीं हूँ, वो मुझ पर निर्भर है। उसकी कोई औकात नहीं है। डेफिनेटली यार, अरे यार मनीष, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। तुम्हारी यही अदा तो दिल जीत लेती है। हाँ हाँ, लव यू बाबू। हाँ, आई लव यू टू। बेटा फोन पकड़ाना जरा। एसडीएम साहब, हेलो 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 हेलो, काट दिया। इस वक्त एसडीएम साहब का फोन रात के 12 बजे, चक्कर क्या है? हे भगवान, आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में? स्तुति, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे सपनों को तोड़कर राख कर दिया है। मचा रहे हो, क्या हो गया? अच्छा, अनजान तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे बताओगे क्या हो गया? फालतू चिल्ला रहे हो। अरे रात को 12-12 बजे तुम्हारे फोन पर रात को 12-12 बजे कॉल आ रहे हैं, ठीक है? मुझे कुछ मालूम ही नहीं है क्या चल रहा है जिंदगी में तुम्हारी, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारा पति हूँ, कोई बाहर का कुत्ता नहीं कि किसी को कुछ मालूम ना हो। अशोक, पहले तो धीरे बात करो और नीचे बात करो। अच्छा, पता है मैं तुमसे ऊपर पोस्ट पे हूँ, तो जरा तमीज से मुझसे बात करो। ऊपर क्यों हल्ला मचा रहे हो? तुम तमाशा करोगे तो मैं भी तमाशा करना जानती हूँ।
रात को 12 बजे सूती तुम्हारे फोन पर फोन आ रहे हैं और तुम ऐसे कर रही हो प्रिटेंड जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? नीचे आवाज में बात करो। तुम भूलो मत कि मैं तुमसे ऊंची पोस्ट पे हूँ, तो ये एटीट्यूड मुझे मत दिखाओ, ठीक है? मैं भी तमाशा कर सकती हूँ। ऊंची पोस्ट पर तुम दुनिया से बाहर हो स्तुति, यहाँ तुम मेरी पत्नी हो। और अशोक, हुआ क्या है? मैंने किया क्या है? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मुझे बर्बाद करने की कसम खा कर आई हो क्या? मैं तुम्हें बर्बाद कर रही हूं? तुम्हारे फोन पर किसी और नाम से लगातार फोन आ रहे हैं और जब मैं बोल रहा हूँ, अच्छा एसीडी साहब होते तो फोन उठाकर कुछ बोलते क्यों नहीं? उन्होंने फोन काटा, यानी कि कोई था ही नहीं। वही थे। मनीष का नंबर था ये, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस मनीष को। ये मनीष का नंबर था। प्लीज ड्रामा मत करो, क्योंकि तमाशा मैं भी कर सकती हूँ। और तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना, तो तलाक दो ना हमको। क्या? मैं तुम्हें तलाक दे देती हूँ, बात ही खत्म। तुम उस मनीष के लिए मुझे तलाक दे दोगी? प्लीज अशोक, ड्रामा मत करो। तुम हो क्या? तुम्हारी कोई औकात भी नहीं अभी मेरे आगे। तुम भूल गई, तुम वो सब भूल चुकी हो कि मैंने किस तरह से दूसरों के घरों में काम कर करके तुम्हें पढ़ाया। तुम कैसे भूल सकती हो स्तुति, मेरी वो मेहनत। खुद की काबिलियत थी अशोक, जो मैं आज यहाँ पर हूँ, मेरी खुद की काबिलियत है ये। तो क्या मेरा कुछ भी नहीं था? क्या तुम्हारे अंदर मेरा कुछ भी नहीं है? क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? ये सब उस मनीष की करामात है। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में उस मनीष ने भरा है। मेरा खुद का दिमाग है, मैं खुद से सोच सकती हूँ। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम्हें परेशानी है, तो तलाक ले लो ना यार। पता नहीं क्या देख लिया है कि उतना भड़क रहे हो बिना बात के। यार पहली बात तो तुम होते कौन हो जो मुझ पे इतना डिस्ट्रिक्शन कर रहे हो? मैं खुद कमाती हूँ। बार बार ये तुम बोल रही हो ना, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा वही पति हूँ जो तुम्हें साइकिल पर बैठाकर कोचिंग ले जाता था। वही पति हूँ जिसके साथ में तुमने इतने सारे साल बिताए, लेकिन अब जाकर के तुम्हें मुझसे परेशानी होने लगी। अरे स्तुति, कम से कम भगवान के लिए अपनी दो बेटियों का ख्याल करो। कम से कम उस मेहनत का ख्याल करो जो हमने 2008 से की है। कम से कम अपने रिश्ते की थोड़ी मर्यादा रखो। कम से कम अपने पति का, अपने सिंदूर, इस मंगलसूत्र का थोड़ा सा लिहाज कर लो स्तुति। पहली बात तो तुम ये बताओ, गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया था? अच्छा, अगर मैं ब्लॉक करूंगा तो तुम दूसरों से बात करोगी? क्या अगर दूसरों से अगर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो जाके दूसरों के साथ कुछ भी करोगी? रात को 12 बजे तक किसी जबान संभाल के बात करो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तलाक दो, बात खत्म करो। भगवान के लिए ऐसा मत करो स्तुति, अपनी प्यारी प्यारी दो बच्चियों के मुंह की तरफ देखो। वो बेचारी कहाँ जाएंगी, वो क्या सोचेंगी? ड्रामा बंद करो प्लीज। तुम अंधी हो चुकी हो, तुम इस मनीष के चक्कर में अंधी हो चुकी हो। तुम्हें अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इस मनीष को कुछ। अशोक मैंने किया क्या है? तुमने कुछ नहीं किया है स्तुति, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस भगवान की है जिसने मुझे ऐसी पत्नी दी है, तुम्हें पता है। ठीक है, तो मैं करना है जो करो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन भगवान से, उस ऊपर वाले भगवान से मैं ये दुआ करूंगा कि तुम्हारी जैसी पत्नी और किसी को ना दे। मैं जा रहा हूँ स्तुति, मैं जा रहा हूँ।